नारनौंद से कांग्रेस उम्मीदवार बलजीत सिंहांग द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए आप इतनी बड़ी भीड़ में आए हो। बलजीत सिंहांग को विजयी बनाए बीजेपी के 75 पार परवार करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने बीजेपी 75 पार तो कर दी है, प्याज टमाटर डॉलर पेट्रोल 75 पार हो चुका है। आम आदमी इन सब से दुखी हो गया है, अब दोबारा लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को वोट देंगे। भी नहीं होते खर्च करने के लिए, तो भाई उनका हमने कहा है, उनको महिला को जो है बीपीएल की चूल्हा चलाती है अपना, उसको 2000 रुपए महीना सीधा उसके काम में डालना ताकि वो उसका चूल्हा चलते। और एक और इनके साथ दिक्कत है कि महिलाओं का खास ध्यान रखना हमने कि भाई किसी ने तो हमने ससुराल में जाना हो, किसी ने हमने पीर जाना हो, जब जिसने पीर जाना हो तो हमने घराले की बात देखती है, कद आओगा कद किराया देगा, काल देगा परसों देगा, नान आन का खर्चा देगा, जब मैं जाऊँगी ना तो भाई ये भी हमने कर दिया, चाहे पीर जाओ चाहे ससुराल जाओ, महिलाओं के लिए हरियाणा रोड में कोई किराया नहीं लगेगा। उनके लिए भाई जो प्लॉट हमने स्कीम शुरू कर दी 100 गज की, फिर शुरू करेंगे सबको देंगे, कई गांवों में जमीन नहीं है पंचायत की। 5 साल से मैं एक नारा सुन रहा हूँ सरकार का, मैं व्यक्तिगत निंदा नहीं करा करता, क्या स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ हरियाणा, सफाई कर्मचारी एक नहीं लाया, एक पकड़ नहीं लाया, कैसे हो जाएगा स्वच्छ ये तो मैंने शुरुआत करी थी भाई, एक कलम से हरियाणा में 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे नहीं लगाए थे, तो आज कह के जा रहे हैं हम हमारी सरकार बनने के बाद एक कलम से इनको पक्का करेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या है हमारी बेरोजगारी की, जो आज हरियाणा नंबर एक हो गया, और ये बहुत बड़ी जोर से कहता हूँ, आज भी पढ़ रहा था मुख्यमंत्री कह रहा है ईमानदार सरकार, तो कहेंगे भाई अब एक और बात क्या रखी, हमने 18,000 जो है वो नौकरियां लगाई बगैर इंटरव्यू के, ठीक भाई कौन है वो कोई लगाए जो लगाए कौन है, वो हमारे बच्चे हैं जिन्हें इंजीनियरिंग, 4 आदमी आए मेरे पास बोला जी बड़ा अन्याय हो रहा है, मैं क्या हो गया भाई, रेस्ट हाउस के बाहर ही मीटिंग करा था, बोला जी हम गए थे हमने कहा भाई पानी पिला दो ये बढ़े, एक आदमी ने कहा कि भाई ये जो लड़की है ये बेटी जो है ये MA पास है पानी पीता है, वो लगाए भाई, इससे दोहरा नुकसान क्या उन्होंने जो भत्ता बजा किया बेरोजगारों के साथ, जो गरीब आदमी या वो बच्चे जो आगे नहीं पढ़ सके 10वीं 12वीं से आगे नहीं पढ़ सके किसी कारण, उनको लगना चाहिए था वहां उनके लिए जगह दी, वो तो लगे नहीं, वो तो वंचित हो गए, अब जो लगा दिए वो अपमानित हो गए, सफेद और जो हमारे बच्चे पढ़े, एक बात बताओ भाई इंजीनियरिंग करके MA करके किसी को चपरासी लगना है तो कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाएगा इंजीनियरिंग कराएगा, तो चपरासी तो 10वीं 12वीं में लग गया भाई, क्यों पढ़ाओगे अपने बच्चे, आगे का भविष्य ब्लैंक कर दे, तो इस बात पे जो है पढ़े लिखो को हम अपमानित ही करेंगे, उनके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट है MA है या उसको क्वालिफिकेशन के बराबर है उन बच्चों को या तो हम रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा बेरोजगारी का भत्ता देंगे, 10,000 रुपये MA को और 60,000 रुपये BA को हर महीने जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा। एक और तमाशा कर रखा भाई ने, वो भी तो चुप है मेरे ख्याल में, अभी चुपकी खेक रहे हैं गुजारा खाद की रेल बना हुई है, क्या नहीं मोटरसाइकिल की कीमत 15,000 चलान 25,000 ट्रैक्टर की कीमत 60,000 चलान 1,00,000 फरीदाबाद में ट्रैक्टर छोड़ गया अपना ट्रैक्टर डर लेके आया चलान चलान ऐसा भेजोगे इसको असेंबली में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। भाई साहब एक बार
सरपंच साहब सम्मानित करिए एक बार पास के गदा देकर के। अनिल मोर सरपंच से बास से गदा देकर के उड्डा साहब को सम्मानित करेंगे, तालियां बजा करके उड्डा साहब को गदा देकर के अनिल मोर जी पास से सम्मानित करें, तालियां बजा करके इनका स्वागत करें, धन्यवाद करें। भैया जो रोगी का जो काफिला आया है, जरूरत नहीं, बहुत जबरदस्त कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है और बड़ा भारी जोश है लोगों में और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। 75 पार की बात अभी सरकार कर रही है? 75 पार कर दिया, इन्होंने प्याज कर दिया, टमाटर कर दिया, डॉलर कर दिया, डीजल और पेट्रोल कर दिया। सीट तो किसकी कितनी आएगी हरियाणा के लोगों ने फैसला करना है। चलिए आपने देखा होगा 10-12 हज़ार से ज़्यादा लोग थे और हमारे बहुत से भाई तो पहुँच ही नहीं पाए, पीछे काफ़ी जाम लगा हुआ था। सिसाया गांव से लेके यहाँ तक पूरे रोड पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ ट्रैक्टर खड़े हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा नारनौंद हल्का बलजीत भाई के साथ है। जहाँ तक मैं हुड्डा साहब को जानती हूँ, हुड्डा साहब ने पहले भी जितने वादे किए हैं सब पूरे किए हैं और मजदूरों को किसानों को उन पर भरोसा है और हुड्डा साहब ने जो भी कहा है वो वादा ज़रूर पूरा करेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आखिरी दौर है और यहाँ पे पहले 3 कैंडिडेट की वो था लड़ाई थी, अभी मैंने तो दौड़ से बाहर हो चुके हैं। दूसरा दुष्यंत ने जो कैंडिडेट उतारा है वो गलत इंसान को खड़ा कर दिया दुष्यंत ने, उसका नुकसान दुष्यंत की पार्टी को होगा और हमारे बलजीत भाई को उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि दुष्यंत का जो कैंडिडेट है वो भाईचारा ख़राब करना चाहता है। जनता जाग चुकी है, जनता ने पिछले 5 साल में देखा कि हमारे हरियाणा का कितना नुकसान हो चुका है, भाईचारे में कितना फूट डाल दी है इस सरकार ने, तो ऐसे इंसान को जनता नहीं चूज करेगी जो भाईचारे को ख़राब करे। और बलजीत भाई एक बहुत साफ सुथरी छवि के नेता हैं और किसान के बेटे हैं, गांव के बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे। 36 बिरादरी को साथ लेके चलेंगे तो बलजीत भाई की जीत बहुत सारे वोटों से होगी। समझो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, ये टिकट आपकी है बलजीत जी, माननीय बलजीत सिहाग जी, वो आपके हैं, इसको अपना वोट समझिए। आप अपनी, आप हमें अपना समर्थन दीजिए, आप अपनी एक एक वोट हमारी झोली में डाल दीजिए, आप अपना एक कदम चलिए, हम अपने 99 कदम चलकर आपका साथ निभाने का वादा करेंगे। इस जुनून के साथ वो सत्ता परिवर्तन के लिए यहाँ आए हैं और वो हर आदमी अपने को बलजीत सिहाग मानने बैठा है तो उससे नहीं लगता कि आपको कि हम कितने मतों से जीतेंगे, कितने आगे बढ़त बना चुके हैं आज जी। एक उम्मीदवार कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने विकास करवा दिया इस हल्के का? सबसे ज़्यादा नाराज, मतलब कि यहाँ पर नाराजगी इन्हीं बातों को लेके है कि झूठ बहुत बोलते हैं, रिपोर्ट कार्ड दिए गए हैं झूठे रिपोर्ट कार्ड, सिसाए में 2 पन्ने हैं दोनों, या नारनौंद में या हाथे बडाला में और सिसर में, लोगों ने रिपोर्ट कार्ड पे खुद ने कहा कि भाई ये जो है ये सारे झूठ का पुलंदा है और विकास नाम की कोई चीज़ हुई तो एक बार ये खेड़ी चौपटा गांव है, 2 गांव है खेड़ी जालब और खेड़ी लो चबिन में घूम के देख लीजिए आप, दूर जाने की जरूरत नहीं है, विकास कैसे आपको पता लग जाएगा। नारनौंद की जनता ने यदि विधायक लेंगे, मेरी प्राथमिकता रोजगार की रहेगी, मेरी प्राथमिकता सैनिटेशन की रहेगी, सफाई की रहेगी, जैसे हुड्डा साहब ने, और वो सभी बातें जो हुड्डा साहब ने यहाँ मंच से बोली हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारी सरकार होगी तब भी हम ये कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आइए और जो भी जहाँ से भी हम रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा दिलवा सकें अपने बच्चों को उसके ऊपर रहेगी प्रायोरिटी। हल्के में पानी की, पानी की तो ये है जी कि मानसून के टाइम पे बरसात के समय भी सुंदर ब्रांच बंद रखी है इन्होंने, पता नहीं क्या लोगों से खुंदक निकालना चाह रहे मंत्री जी, समझ नहीं आता हमें तो। और 45 दिन के, एक हफ्ता आता है 45 दिन के बाद, वो भी बरसात के टाइम पे भी रिजर्वायर, जब दिल्ली डूबने लग रही है जब भी पानी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, पीने के पानी की समस्या है। कोथ गाँव में तो ये थी कि हरिजनों के पास जो उस नज़दीक के मोहल्लों के पास, मतलब के जो थरिजनों मोहल्लों के पास, वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा, जिन ठेकेदारों को ठेका दिया उनकी हम जांच भी करवाएंगे, उन्होंने पाइप इतना छोटा क्यों लगाया कि पानी आखिर तक नहीं पहुँचा, तो टेल वाला झगड़ा पानी का टूटी का भी हो गया। हमारे से चूक इम्पोर्टेंट नेता है हमारे लिए, ये हमारे बच्चों ने जिन्होंने ये बैनर छुपवाया उनसे 2 चूक हुई है, अब की बार कांग्रेस सरकार की जगह हुड्डा सरकार लिखा दिया, जबकि भावना जनभावना हुड्डा साहब को ही मतलब कि ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी ये पार्टी फैसला करेगी, हाई कमांड फैसला करेगी कौन चीफ मिनिस्टर हो, और ये जो है हमारी चूक रही है, गलती रही। मंत्री जी ने जब गिने जाएंगे, रिजल्ट जब आएगा तो विकास का पता लग जाएगा आपको, जहाँ खड़े होते हो वही समस्याएं हैं। 60-60, 65-65, 70 साल की विधवा अलग से, बूढ़ी औरतों को भी पेंशन नहीं मिली,
खाने के लिए दाने नहीं है आज घरों में, ये पोजीशन है फाका कसी वाली पोजीशन है लोगों की, खासकर बीपीएल कैटेगरी के लोगों की। आज के बाद ऐसे है कि ये हमारे लिए उसी तरीके से देखना है इलेक्शन को जिस तरीके से शुरू वाले दिन हमने शुरू किया था। दूसरे कैंडिडेट उम्मीदवार जो थे वो तीन तीन महीने से और पाँच साल से चुनाव लड़ रहे थे और वो हमने सारी कसर जो है एक हफ्ते में निकालनी थी, वो हमारी सारी टीम हमारे सभी भाइयों ने बुजुर्गों नौजवानों जिस तरीके से दिन रात एक कर रखे उसी जज्बे के साथ हम चुनाव को आखिरी तक लेके जाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे कम से कम भी 20,000 के मार्जिन से। ये आप नोट कर लो, ब्लॉक कर लो इसको, कोटेड इनडायरेक्टेड मतलब कि इनडायरेक्ट कॉमाज में।